हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से अर्दोगन अपने ही देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रहे हैं और ये तो होना ही था। क्या तुर्की में तख्ता पलट हो रहा है और सैन्य तख्ता पलट से घबराए हुए अर्दोगन ने राष्ट्रपति भवन में बुलाई है आपात बैठक। हो सकता है 24 घंटे के अंदर कुछ सुनने को भी मिल जाए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या भारत के डर से फतह 2 मिसाइल को किया है फायर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने देश में तख्ता पलट की आशंकाओं के बीच खुफिया और न्याय मंत्रालय के प्रमुखों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया है। दरअसल अर्दोगन को उनके सहयोगी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के नेता डेवलेट बहसेली ने चेतावनी दी थी कि तुर्की की कानून प्रवर्तन एजेंसियां तख्ता पलट करने की योजना बना रही है। यह आशंका अंकारा के सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में आपराधिक संगठन अहान बोहरा कप्लान से संबंध के आरोपी कई पुलिस अधिकारियों के बर्खास्तगी के बाद पैदा हुई है। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारियों के घरों से डिजिटल सामग्री जब्त करने के लिए उनके घरों की व्यापक तलाशी ली। अर्दोगन के सहयोगी बहसेली ने कहा कि ये स्थिति सरकार के खिलाफ एक साजिश हो सकती है और अकेले कई पुलिस अधिकारियों के निलंबन को टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने संसद में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए तुर्की में 2016 के तख्ता पलट के प्रयास के संभावित पुनरावृत्ति की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहसेली के चेतावनी के बाद राष्ट्रपति अर्दोगन ने राष्ट्रपति आवास पर न्याय मंत्री यिलमाज टुनुक और राष्ट्रीय खुफिया संगठन के डायरेक्टर इब्राहिम कालिन के साथ रात भर आपातकालीन बैठक की है। तुर्की के राष्ट्रपति के बुधवार को संसद में सत्तारूढ़ दल के इस बैठक में इस विषय पर बोलने की उम्मीद है। तुर्की सरकार ने अमेरिका स्थित इस्लामिक उपदेशक फेतुल्लाह गुलेन के संगठन के सदस्यों पर 2016 में तख्ता पलट के लिए शामिल होने का आरोप लगाया था। तुर्की में 80,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1.5 लाख सिविल सेवकों और सैन्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। पर अब यहाँ पर देखने को लग रहा है कि एक बार फिर से सीन कुछ वैसा ही बन रहा है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में कहा था जिस रास्ते पर अर्दोगन चल रहे हैं वो रास्ता उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में अगर तुर्की में कोई सैन्य तख्ता पलट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह की तुर्की की इकोनॉमी है वैसे में तुर्की के अंदर ये होने की संभावना और भी ज्यादा बताई जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पीओके में लगातार बहुत सारी चीजें घट रही हैं और इस स्थिति में समस्या यहां तक बढ़ चुकी है कि पीओके के अंदर सरकार की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालात हाथ से बाहर निकलते दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि यहां पीओके में पीओके को लेकर भारत के कई सारे राजनेता कई तरह के कमेंट दे रहे हैं, जैसे कि पीओके आने वाला है, पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा है। ये सारी बातें टेंशन दे रही हैं इस वक्त पाकिस्तान, और इस क्रम में पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम चला है और ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने फायर किया है फतह 2 मिसाइल को। इन्होंने कहा है कि हमने बस इसे अभ्यास के तौर पर फायर किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन किया हो। हमने इसमें कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना ने 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है और इनका कहना है कि हम अभ्यास और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे थे। पाकिस्तान का दावा है कि मॉडर्न नेविगेशन प्रणाली और इसमें अत्याधुनिक गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ये एकदम सटीक निशाने पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि ये S-400 का किलर है, यानी कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे भारत इस्तेमाल करता है उसको ये मार सकता है। कारण बताया जाता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो आड़ी तिरछी है जिसकी वजह से ये किसी भी रॉकेट सिस्टम को धोखा दे सकता है, चकमा दे सकता है। अब जरा इस चीज को समझिए कि इन्होंने कोई पहली बार परीक्षण नहीं किया, इन्होंने दाग कर इन चीजों को देखा कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर दागने के लिए यहाँ पर कौन कौन पहुंचा था? पाकिस्तानी सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियरों की टीम मौजूद थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब परीक्षण होने के बाद
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, सेना प्रमुख और सभी सेवाओं के प्रमुखों ने इसमें बधाइयां दी सैनिकों को और वैज्ञानिकों को। इसमें माना जा रहा है कि इसे हाइप करने की कोशिश की गई और खास तौर पर भारत को ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम यहाँ पर ताकतवर हैं और हम आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि पीओके को लेकर कहीं ना कहीं ये एक इशारा देने की कोशिश हो रही है, पर पाकिस्तान वैसे भी अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा है। हाल फिलहाल में ये खबर आई थी कि चाइना हंगोर सबमरीन को पाकिस्तान को देने वाला है। हालांकि भारत ने इसका कार्ट पहले ही तैयार कर लिया। भारत ने स्मार्ट को लॉन्च किया और स्मार्ट का परीक्षण किया, जो कि 500 किलोमीटर दूर खड़ा होकर दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। और इसे माना जा रहा है कि पाकिस्तान के हंगोर क्लास की पनडुब्बियों का काल, यानी पनडुब्बी जो AIP सिस्टम से लैस है, जिसे अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे में इस पनडुब्बी को 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी भारत के स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से निशाना बनाया जा सकता है। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम बहुत सारी चीजों में काम आएगा। जब कोई उपग्रह या गैर लड़ाकू खुफिया निगरानी और टोही विमान, जैसे कि ड्रोन हो गया, हवाई जहाज हो गया, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाएगा, अगर उस वक्त जगह पर भारत का कोई युद्धपोत पनडुब्बी PAT पोसाइडन या एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर जहाज नहीं होता है, तो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से हमला किया जाएगा। अभी भारतीय नौसेना पनडुब्बी जहाज और हेलीकॉप्टरों में टॉर्पीडो लॉन्च कर सकती है, लेकिन इसकी गति सीमित होती है, 20 से 40 किलोमीटर। ऐसे में टॉर्पीडो को ले जा रही मिसाइल उसे हमले करने वाली जगह तक आसानी से पहुंचा सकती है। लेकिन स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है कनस्तर बेस्ड और इसे कहीं से भी किसी भी तरीके से ले जाया जा सकता है। इस तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से ये समंदर के किनारे खड़ा है और समंदर के किनारे खड़ा होकर भी ये निशाना बना सकता है पनडुब्बियों को, तो ये काफी खतरनाक माना जा रहा है। अब पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अपने अपने तैयारियों को मजबूत रख रहे हैं, ऐसे में भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है और इस दिशा में भारत भी लगभग काम करता हुआ दिख रहा है। वैसे भारत को अपने नेवी को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के अर्दोगन जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।